गुड नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अक्टूबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रह स्थितियों के माध्यम से क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों को मिलने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है, तो मेष राशि वाले जातकों, ये भविष्य फल आपकी चंद्र राशि के ऊपर बनाया गया है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे अंत तक जरूर देखें। इस भविष्य फल के माध्यम से आपको जानकारी देंगे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, इन 15 दिनों में आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, 15 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 तारीख तक आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी है, सबसे पहले तो यही आपको बता दें। शनिदेव आपके कुंडली के 11th हाउस यानी लाभ भाव में रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में धन स्थान यानी द्वितीय भाव में रहने वाले हैं। राहु देव कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे। केतु देव आपके 6th हाउस में रहने वाले हैं। सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला में रहेंगे, 15 तारीख को ही प्रवेश करेंगे। साथ में सूर्य के साथ देखिए बुध भी तुला में ही रहने वाले हैं। यहां पर सूर्य बुध का मिलन भी हो रहा है और बुधादित्य योग भी बनने वाला है तथा 20 अक्टूबर से देखिए 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक मंगल जो हैं वो मिथुन में रहेंगे और आपके पराक्रम घर में रहेंगे। लेकिन जैसे 20 अक्टूबर होगा मंगल अपनी नीच राशि कर्क में जाएंगे। इस प्रकार का मुख्य परिवर्तन ग्रहों में मिल रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि क्या मामले में कहां पर आपको सतर्कता रखनी चाहिए और किन किन क्षेत्रों में आपको मजबूती मिल सकती है। करियर के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कुंडली के दशम घर से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। कर्म भाव के स्वामी शनि देव माने जाते हैं जो लाभ भाव में वक्री अवस्था में विराजित रहेंगे, लेकिन वर्तमान में मंगल की उच्च दृष्टि कर्म भाव पर पड़ने वाली है। तो इन 15 दिनों की समयावधि में मेष राशि वाले जातक की कार्य कुशलता बढ़ी रहने वाली है। सहकर्मियों के साथ संबंध बेहतर बनेंगे, विरोधियों को धराशायी करने में सफल रहेंगे। वर्क प्लेस पर आपके द्वारा लिया गया निर्णय पूर्ण रूपेण शुभ साबित होने वाला है। यहां पर मेष राशि वाले जातक कार्यों में उत्साह बढ़ने से व्यापार में भी बड़ा परिणाम अर्जित कर पाएंगे। इन 15 दिनों की समयावधि में द्वादश भाव एक्टिवेट है और कर्म भाव एक्टिवेट है। अगर आप इस समयावधि में विदेश संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं या विदेशों में आपका जुड़ाव है तो मेष राशि वाले जातकों का उत्थान होने वाला है और आपको शुभता भी मिलने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, इन 15 दिनों की समयावधि में देखिए धन भाव में गुरु वक्री हैं और धन भाव के स्वामी जो हैं दैत्य गुरु शुक्र, वो कुंडली के 8th घर में दर्शकों रहेंगे। देखिए यहां पर आपके मामले में देखिए धन में निरंतरता बनी रहेगी, चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, यहां पर आपके जीवन में उन्नति का योग बन रहा है। अगर आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, शुक्रदेव कुंडली के 8th घर में विराजित हैं, निवेश करने से पहले आपको सोच विचार कर निवेश करना होगा।
व्यर्थ में धन की बर्बादी का योग भी दिखाई दे रहा है। द्वादश भाव में राहु मौजूद है। किसी के बहकावे में आकर अपने धन का निवेश करने से जीवन में बचना होगा तथा मेष राशि वाले जातकों को प्रतिदिन की आय की बढ़ोतरी भी यहां पर मिल सकती है। परिवार को लेकर जानकारी अगर आपको दें, कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी जो हैं दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो कि कुंडली के अष्टम घर में विराजित इन 15 दिनों में रहेंगे। यहां पर घर में कोई मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन अगर आप पुराने समय से ही करना चाहते हैं उसके लिए प्लानिंग बनाई जा सकती है, लेकिन द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम घर में विराजित हैं, तो ऐसे में परिवार के लोगों में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ में थोड़े बहुत तनाव भी आपको मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखकर जरूर चलना है, आपकी जो वाणी है उसमें कर्कशता नहीं होना चाहिए, अन्यथा परिवार में और भी ज्यादा तनाव बढ़ सकता है। मंगल जो आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं 20 अक्टूबर से अपनी नीच राशि कर्क में जाएंगे, तो जब मंगल की नीचता रहेगी तो आपकी राशि के स्वामी का बल कमजोर है, इससे आपकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। छोटी मोटी बातें आपको ज्यादा कष्ट दे सकती है और आपके मन में छोटी मोटी बातें क्रोध का कारण भी ले सकती है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि परिवार में आपको समन्वय बहुत ही ज्यादा आवश्यक रहने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, कुंडली का जो पांचवा घर है प्रेम जीवन के लिए जिम्मेदार माना जाता है और आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं, जो कि 15 तारीख के पश्चात यानी 16 से लेकर अक्टूबर के एंड तक नीच राशि में रहेंगे। तो अगर आप प्रेम जीवन में जुड़े हुए हैं तो सूर्य की नीचस्थ अवस्था, चूंकि प्रेम भाव के स्वामी हैं, ये आपके वाणी में आपको उग्रता दे सकती है। ऐसे में रिश्तों में आपको गंभीरता रखना चाहिए और छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव अपने मन में निर्मित करना से बचना होगा। यानी प्रेम का जो रिश्ता है उसमें भी आपको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता इस 15 दिनों की समयावधि में ज्यादा रहने वाली है। उसके साथ साथ अगर आपके लिए वैवाहिक मामलों में जानकारी दिया जाए, दोस्तों कुंडली का जो सप्तम घर है वैवाहिक जीवन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यहां पर आपको बताना चाहेंगे 16 तारीख से सूर्यदेव नीचस्थ अवस्था में रहेंगे, तो जीवन साथी के साथ अहम का टकराव जरूर हो सकता है। अहम का मतलब यह है कि छोटी मोटी बातें जो है वो काफी ज्यादा गर्मजोशी ले सकती है। तो वहीं देवगुरु का वक्री प्रभाव आपके रिश्तों की रक्षा करने वाला है। देवगुरु वक्री हैं तो आपके अंदर समझदारी भी देंगे और आपके पार्टनर को भी उत्साह देंगे, लेकिन इस बात का ध्यान आपको बिल्कुल भी रख कर चलना है। अपने जीवन में आप क्रोध करने से बचें, रिश्तों में उत्साह भी बनाकर चलें। बात करें समयावधि में जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, उन जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं कुंडली के लिए बहुत ही जिम्मेदार प्लेनेट आपके लिए बनते हैं। वक्री हैं, नवम भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है और परिवार भाव एक्टिवेट हो रहा है। ऐसे में अविवाहित जातकों के घर में विवाह के नए प्रस्ताव चल सकते हैं, या घर के जो बड़े सदस्य हैं वो विवाह के लिए आपकी जो बातें हैं वो लोगों में कर सकते हैं। यानी जो नए रिश्तों की तलाश भी अविवाहित जातकों के जीवन में होने का योग बन सकता है। अगर आपको स्वास्थ्य के नजरिए से जानकारी दिया जाए, 20 अक्टूबर से राशि के स्वामी कर्क राशि में जाकर नीचस्थ अवस्था में विराजमान है, तो चूंकि मंगल जो होते हैं रक्त के कारक माने जाते हैं, तो देखिए ब्लड से रिलेटेड समस्या हो सकती है। इसका मतलब ऐसा है कि आप बीपी के अगर आप पेशेंट हैं तो बीपी बढ़ सकती है,
छत में इस समयावधि में जातकों को मुंह में छाले पड़ना, अगर आप गरम या गलत खान पान का सेवन करते हैं तो मुंह में छाले वगैरह हो सकता है। अगर इस समयावधि में आप सतर्कता नहीं रखते हैं तो मंगल की नीचस्त अवस्था, चूंकि मंगल देव को बताना चाहेंगे कि जब नीच के होते हैं उसके 10 दिन पहले से ही अपना परिणाम देने लगते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखकर चलना है कि जो मेष राशि वाले जातक हैं उनको इस समयावधि में अपने जीवन में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए संतुलित भोज पदार्थ, हरी सब्जी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। अन्यथा अगर आप लापरवाह हुए तो आपको 20 अक्टूबर से लेकर 30 तारीख की समयावधि में कुछ समस्याएं मिल सकती है। अगर आपको पुराने समय से ही कोई घातक बीमारी है, डॉक्टर की राय लेनी चाहिए, एक्सपर्ट की राय जरूर लेनी चाहिए। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में सूर्य की अवस्था बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ऐसे में पिता के साथ संबंध को अच्छा बनाकर चलें, उगते हुए सूर्य का दर्शन करें और सूर्य नमस्कार भी यदि आप करेंगे तो आपके लिए स्थिति शुभ रहने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः।